हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रोपोसो एप्लीकेशन में वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हो, क्योंकि गाइज काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनको रोपोसो एप्लीकेशन यूज़ करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, वो वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि कैसे आप वीडियो बना सकते हो रोपोसो एप्लीकेशन में, कैसे आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो, और गाइज कैसे आप टाइटल डाल सकते हो, कैसे आप हैशटैग यूज कर सकते हो, क्योंकि गाइज जो हैशटैग होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो को वायरल करने में। तो गाइज आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोरजी टेक्निकल में, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो गाइज आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज हम आ गए फोन के होम स्क्रीन पे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप रोपोसो एप्लीकेशन में वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अब गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैमरा का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स और ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे गाइज आपको ऑप्शन मिलता है कैमरा चेंजिंग का, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, आप यहाँ से बैक कैमरे को भी ऑन कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, फिर यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कम करने का, ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ चौथे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्यूटी का, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो पे। अब गैज यहाँ पे पाँचवें नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है स्पीड का, गैज आप अपने वीडियो का स्पीड कितना रखना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स और इफेक्ट वगैरह मिल जाते हैं, जिनको आप अपने वीडियो पर यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ भी आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, ड्राफ्ट का, एल्बम का, वीडियो का, फोटो का, टाइमर का। गैज अगर आपने पहले से वीडियो को रिकॉर्ड कर रखा है तो गैज आपको यहाँ एल्बम पे क्लिक करना होगा और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आप गैलरी से उस वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। तो गैज यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पे पड़े हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो डायरेक्टली अपलोड होने लगेगा। तो गैज चलिए अब हम नया वीडियो बनाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इफेक्ट है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है और गैज यहाँ से आपको एक सॉन्ग सेलेक्ट करना है जिसको आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो, लिपसिंग करना चाहते हो। तो गैज आपको यहाँ सर्च पे क्लिक करना होगा, तो आपके फ़ोन में जितने भी सॉन्ग होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो गैज यहाँ से हम ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर यूज़ पर आपको क्लिक कर देना है। तो गैज यहाँ पर सॉन्ग भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, इफेक्ट को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है और वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप ये बुक देख सकते हो, तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कुछ इस तरह। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉन्ग भी बज रहा है और इफेक्ट भी चल रहा है और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो गाइस यहाँ पे हमने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है कुछ इस तरह का बना हुआ है और यहाँ भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, यानी गाइज आप अपने वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, कट कर सकते हो, इसमें और भी इफेक्ट को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब गाइज इसके बाद यहाँ पर आपको स्टीकर का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने वीडियो पर स्टीकर वगैरह ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर आप म्यूज़िक बैकग्राउंड में कुछ और लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर म्यूज़िक पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ मैजिक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मैजिक मिल जाएंगे जिनको आप अपने वीडियो पे यूज कर सकते हो। अब गाइज इसके बाद अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट कट करना है तो आपको यहाँ कैची वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ ट्रिम पे क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर जितना वीडियो का पार्ट आपको कट करना है आप इस तरह कुछ कट कर सकते हो, जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना सेलेक्ट हो जाएगा। और गाइज इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब गाइज हमारा जो वीडियो है वो बन चुका है, हमें इसी तरह वीडियो को अपलोड करना है। तो गाइज यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुका है, अब आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और गाइज यहाँ पे ये फाइनल स्टेज पे आ चुका है। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो का टाइटल डाल देना है। गाइज जिस भी टाइप का आपका वीडियो है आपको उस तरह का टाइटल डालना है। तो यहाँ पे हमारा जो सॉन्ग है मेरी गुड मॉर्निंग टू, हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हैशटैग यूज़ करने हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो हैश लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है फॉर यू,
दोस्तों जो फॉर यू होता है काफी इंपॉर्टेंट हैशटैग होता है, क्योंकि गाइज जब हम वीडियो को देखते हैं स्लाइड करते हैं तो गाइज वो फॉर यू होता है। जब तक आप फॉर यू हैशटैग नहीं डालोगे तो ब्राउजिंग फीचर में आपका वीडियो नहीं जाएगा, आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। तो गाइज आपको पहला हैशटैग फॉर यू डालना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाल देना है रोमांटिक सॉन्ग, जिस भी तरह का आपका सॉन्ग है उस तरह का यहाँ पे हैशटैग यूज़ करना है। तो रोमांटिक सॉन्ग हम डाल देते हैं। अब गाइज यहाँ पे हम फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग डाल देते हैं। अब गाइज यहाँ पे फिर से हम हैशटैग पे क्लिक करते हैं और गाइज यहाँ पे आप रोमांटिक सॉन्ग मतलब जिस तरह का आपका सॉन्ग है उस तरह के काफ़ी सारे हैशटैग आपको यहाँ पे डाल देने हैं जो ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग का। गाइज अगर आप अपने वीडियो को शेड्यूल करना चाहते हो, यानी गाइज कुछ टाइम बाद अपलोड करना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करके टाइमिंग डाल सकते हो और आपका जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक उस टाइम पर अपलोड हो जाएगा। तो गाइज अभी हम इसको पोस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो पोस्ट होने लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो पोस्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्टेड। अब हम अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और गाइज यहाँ पे हम बैक आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो पोस्ट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो प्ले भी हो गया। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से रोपोसो एप्लीकेशन में वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।